तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल उज्जवल संसार में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 11th एग्रीकल्चर का जो पेपर हुआ था 2020 में, वह पेपर हम इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने मैथ का जो 2020 में पेपर हुआ था उस पेपर का जो वीडियो है, उस पेपर का जो पीडीएफ है, अभी तक आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिलेगा, आप जाके वहां से उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा पीडीएफ ओपन, आप ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा कृषि वनस्पति विज्ञान। और दोस्तों आप सभी लोग यह सोच रहे होंगे कि आप इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करेंगे, तो दोस्तों इसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पीडीएफ यानी कृषि वनस्पति विज्ञान बॉटनी का जो यह पेपर है उसका पीडीएफ लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके जाके डाउनलोड कर सकते हैं। या पीडीएफ कुछ ही 30-32 एमबी का होगा तो आप इसे डाउनलोड करके आराम से सॉल्व कर सकते हैं घर पे। तो हम आपको दिखा दे रहे हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय है, प्रश्न संख्या 2 से 6 तक निश्चित उत्तरीय है, प्रश्न संख्या 7 से 11 तक अति लघु उत्तरीय है, जिनका प्रत्येक उत्तर 50 शब्दों में लिखिए, प्रश्न संख्या 12 से 14 तक लघु उत्तरीय है। तो दोस्तों यहाँ कुछ निर्देश वगैरह भी बताए गए हैं, तो आप इसको डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिलेगा, आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा पेज 2 है, देखिए ध्यान से आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए पेज 2 है, पेज 2 पे भी कुछ शब्दों बताए गए हैं, निर्देश बताए गए हैं, देखिए जिनका प्रत्येक उत्तर 150 उसी के आगे का यानी पेज 1 के बाद पेज 2 का है, इसमें बताया गया है 150 शब्दों में तथा प्रश्न संख्या 15 से 17 तक विस्तृत उत्तरीय हैं जिनके प्रत्येक उत्तर 300 शब्दों में लिखे जाएंगे। तो इसी प्रकार से कुछ आपके निर्देश हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों कुछ वही सब चीज़ें आपको इंग्लिश में भी देखने को मिलेगा, तो आप इंग्लिश में भी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। उसके बाद हमारा यहाँ पे तीसरा है, देखिए तो यहाँ पे एकदम देखिए, उसके बाद हमारा है बहुविकल्पीय प्रश्न, देखिए ध्यान से देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न दोस्तों, या एक एक नंबर के हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे प्रत्येक खंड के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से केवल 1 उत्तर सही है, सही उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखिए, यानी यह सब तो आप हाई स्कूल का बोर्ड पेपर दिए हैं तो आपको पता ही होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए का जो हमारा पहला हुआ है, प्रारंभिक केंद्रक पाया जाता है, दूसरा है सरसों का पुष्पक्रम कौन सा होता है, तीसरा है हमारा निम्न में से सेलेनेसी का पुष्प सूत्र कौन सा है। तो दोस्तों यह सब आप पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। हमने वीडियो में जैसे पहले ही बताया है कि हम इस क्वेश्चन पेपर को केवल आपको दिखाएंगे कौन कौन से क्वेश्चन आए थे वो आप सभी को बताएंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमारा अंगा वाला है, आप इसको कितना भी जूम कर लीजिए फटने वाला नहीं है। तो देखिए अंगा हमारा है मालवेसी कुल के पुमंग होता है, ठीक है, मालवेसी कुल में पुमंग होता है, कैसा होता है तो आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम अपने अगले यानी 5वें पेज की तरफ बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 5वां पेज, यहाँ पे देखिए आपका पहला क्वेश्चन है परागण से आप क्या समझते हैं, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा भी इसी प्रकार से। दोस्तों वीडियो में हम काफ़ी विस्तार से नहीं आपको बता पा रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप ध्यान से इसे देख सकते हैं। अगर आपको और भी विस्तार में देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पीडीएफ का लिंक मिलेगा, आप जाके वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसी तरीके से हमारा 5वां है, 6वां है, दोस्तों यह सब एक एक नंबर के सवाल हैं, आप इसे पढ़ के घर पर सॉल्व करिए, प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद दोस्तों हमारा यहाँ पर आ गया है 6वां पेज, इसमें देखिए दिया है सिरा विन्यास से आप क्या समझते हैं, चित्र की सहायता से विभिन्न प्रकार के सिरा विन्यास का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप इसको भी हल कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा 10वां है, देखिए वायरस के मुख्य लक्षणों का उल्लेख कीजिए, आप ध्यान से यहाँ पे इसको देख सकते हैं, वायरस के प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों यह सब आपके बुक्स में दिया होगा, बढ़िया से आपके टीचर्स वगैरह पढ़ाएंगे। तो जैसा कि अभी लॉकडाउन का समय है तो आप कैसे पढ़ाई कर रहे होंगे, तो दोस्तों घर पे ही बैठ के पढ़ाई कीजिए, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वह जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 15वां है जो कि हमारा है 6 नंबर का, ध्यान से देख लीजिए, 15वां जो कि हमारा है 6 नंबर, वात्पोषर्जन क्या है,
स्टोमेटा द्वारा होने वाले वात्पोसर्जन क्रिया का वर्णन कीजिए तथा वात्पोसर्जन के महत्व का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमारा देखिए यहाँ पे वात्पोसर्जन के बारे में बढ़िया से बताना है। अगर आप वो नहीं कर सकते तो अथवा अथवा करके यहाँ पे भी देखिए बताया गया है, आप इसको भी हल कर दीजिए। जितने भी पॉइंट दिए हैं उनको हल कीजिए तो आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यह है हमारा लास्ट और 8वां पेज। ध्यान से हम इसको आपको जूम करके दिखा दे रहे हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मालवी कुल के कोमंग तथा जायन का वर्णन कीजिए तथा इसका पुष्प सूत्र चित्र सहित भी बनाए। तो दोस्तों हमने अपने इस चैनल पे मालवेसी कुल और ग्रेमिनी कुल के वीडियो अपलोड की। अगर आप लोग कहेंगे तो और कुकुरबिटेसी और सेरिनेसी मिल करते हैं। आपको आज का छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल उज्ज्वल संसार को भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान।